महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कुछ दिन पहले ही स्लैब गिरने से कुरला इलाके में 5 साल के अफान और उसके पिता इरफान की मौत हो गई थी, मगर इसी हादसे में मुमरा के रहने वाले रफीक शेख भी बुरी तरह से चाय से जल गए थे। जिस दुकान पर यह हादसा हुआ था वो एक चाय की दुकान थी और स्लैब गिरने की वजह से गर्म चाय की पतीली रफीक शेख के ऊपर गिर गई थी। गंभीर रूप से रफीक शेख जल गए हैं, इनका इलाज मुंबई के राजाबाड़ी अस्पताल में चल रहा है। रफीक शेख अपने पूरे परिवार के साथ मुमरा के दरगाह गली के पास शिवाजी नगर में रहते हैं और ये मेडिकल स्टोर में सेल्समैन का काम भी करते हैं। रफीक शेख ने बताया कि चाय पीने गए थे तभी हादसा हुआ और इस हादसे में वो बुरी तरह से जलने के बाद भी इनका नाम कहीं भी मीडिया में सामने नहीं आया और ना ही अभी तक इन्हें किसी भी तरह की कोई मदद मिली है। अस्पताल के बेड पर पड़े हुए आज भी रफीक शेख शासन प्रशासन की तरफ ये उम्मीद लेकर देख रहे हैं कि शायद इन्हें कहीं से कोई मदद मिल जाएगी। इस पूरे हादसे के बारे में रफीक शेख ने क्या कुछ बताया है सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक है। कहाँ रहते हो आप? मैं मुमरा में रहता हूँ और जहाँ पे ये जो हादसा हुआ उसी के दो माले पे मेरा ऑफिस है, दवाई का डिस्ट्रीब्यूटर के, मैं उन्हीं के इधर गया हूँ। बस मैं वहाँ पे खाना खाया नीचे नागौरी के वहाँ पे, और खाना खा के चाय पीने के लिए बस उसके बाजू में नागौरी का जहाँ पे चाय पकती वहीं पे बाजू में टेबल है बस वहीं पे बैठा। बस वो बैठना हुआ और वो स्लैब का टूटा हो तो पूरी चाय की जो भगोना था वो पूरा भगोना पूरा आन के ऊपर आ गया और गैस का चूल्हा था वो भी थोड़ा आन के ऊपर आ गया। इसके वजह से ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही और मेरा कान का पर्दा भी फट गया बहुत, तो पूरा हाथ की इंजरी। जिम्मेदार किसको मानते हैं इसका? हादसे का जिम्मेदार तो देखिए सर, आपको देखा जाए तो इसके अंदर बिल्डर को भी माना जाएगा, बीएमसी को भी। तो जब आज इतने सालों से बिल्डिंग का पूरा काम नहीं हुआ तो इसके अंदर मतलब के पब्लिक इसके अंदर ऑफिस है इसके अंदर है और उसमें कारखाने चल रहे हैं। अब देखो वो टावर सिस्टम में बिल्डिंग है वो, लेकिन कंप्लीट नहीं है वो। इसके पहले अभी उसका सर्वे भी करके जा चुकी है बीएमसी। अब पता नहीं अब बिल्डरों का क्या लोग उनका क्या सिस्टम है, लेकिन जो भी है लेकिन उनको देखना चाहिए। अभी आप उसी के अंदर आप ऊपर फ्लोर पे चढ़ोगे ना सेकंड फ्लोर पे, आप खाली वहाँ पे देखना वहाँ की टाइल्सें हिलती है, ये टाइल्स से बड़ी 2x2 की जो टाइल्स है ना वो सब टाइल्सें हिलती है। प्रशासन की तरफ से आपको क्या मदद मिल रही है? प्रशासन की तरफ से किसी की तरफ से अभी तो कुछ भी नहीं है भाई, बस खाली मैं बैठा हूँ और ये मेरी मिसेस मेरी सेवा कर रही है समझे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है इस हादसे में ज़ख्मी हुए लेकिन उनका जिक्र नहीं हुआ है और आप भी जो है यहाँ पर है, हम लोग आए हमें पता चला, तो क्या लगता है बीएमसी जो है आधे लोगों को दिखा रही है और आपका भी जिक्र नहीं हुआ है, कितने लोग थे आपके हिसाब से और कितने लोग ज़ख्मी हुए होंगे? भाई जब वो स्लैब गिरा ना बिल्डिंग का तो जब मेरे आंख के ऊपर चाय आई और वो जब अंगार का जो झटका लगा ना मेरे ऊपर तो मेरा सर एकदम चकरा गया, मैं गिर गया वहाँ पे और तो किसी ने मेरे ऊपर पानी की बाल्टी पूरी पलटी मार दी और फिर जैसा थोड़ा कुछ लगा कि मेरा बैग, क्योंकि मेरे बैग के अंदर ऑफिस के पैसे थे, चेक था, कुछ बिल्स थे, तो मैं बैग ढूंढ रहा था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे को किसी ने वहाँ पे खड़ा करके पीछे पूरा कोलगेट लगा दिया। वहाँ पे एक लेडीज़ थी कोई, तो उन्होंने दुकान में से लेके पूरा। आपके साथ में इस हादसे में कितने लोग जख्मी हुए, आपको इस बारे में कुछ जानकारी? नहीं, मेरे को कुछ भी इतना मेरे को ध्यान में आया था कि कुछ 3 जने कुछ थे, एक लड़का और था जो लंगड़ के चल रहा था, एक इरफान था जिसको पुलिस ने मेरे साथ में पुलिस की गाड़ी में डाल के राजावाड़ी हॉस्पिटल में लेके आए, लेकिन वो बाद में पता चला कि उनका इंतकाल हो गया और उनके बच्चे का भी इंतकाल हो गया। तो ये सब चीज़ों को हमारी सरकार को ज़रा ध्यान देना चाहिए कि जो ये बिल्डिंग है कितनी जूनी है, कितना क्या है। तो आज ये समझो छज्जा गिरा है, अगर कल पूरी बिल्डिंग अगर बैठती तो कितने आदमी मर जाते, ये सोचने वाली बात है। तो ये हमारे बीएमसी को भी ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है।